संध्योपासन, तर्पण, देवाराधन आदि नित्य कर्म तथा आशौच का निरूपण। ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य प्रतिदिन शास्त्र विहित क्रियाओं को करता है उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। अतः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मनुष्य को धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। ऊषा काल होने पर विद्वान व्यक्ति सर्वप्रथम अपने हृदय कमल में विराजमान आनंद घन, अजर, अमर, सनातन पुरुष भगवान हरि का ध्यान करे। तदनंतर यथाविधि शौचादि आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त होकर पवित्र नदियों में स्नान करे। प्रातःकाल स्नान करने से पाप कर्म करने वाले मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं, इसलिए यत्न पूर्वक प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल के स्नान की लोगों ने प्रशंसा की है, क्योंकि ये स्नान लौकिक और पारलौकिक दोनों फलों को प्रदान करने में समर्थ होता है। रात्रि में सुखपूर्वक सोए हुए व्यक्ति के मुख से निरंतर लार आदि अपवित्र मल गिरते रहते हैं, अतः संपूर्ण शरीर अपवित्र हो जाता है। इसलिए प्रथमतः स्नान करके ही संध्या वंदनादि के धार्मिक कृत्य करने चाहिए। बिना प्रातःकाल स्नान कृत्य किए संध्या वंदनादि करना उचित नहीं है। प्रातः स्नान करने से अलक्ष्मी, कालकर्णी अर्थात विघ्न डालने वाली अनिष्टकारी शक्तियाँ, दुःस्वप्न एवं दुर्विचार से होने वाले चिंतन के पाप धुल जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। ये स्मरणीय है कि बिना स्नान किए गए कार्य प्रशस्त नहीं होते, अतएव होम और जपादि के कार्यों में विशेष रूप से सबसे पहले विधिवत स्नान करना चाहिए। अशक्त होने पर बिना सिर पर जल डाले ही स्नान करने का विधान है। आर्द्र वस्त्र से भी शरीर को पोंछा जा सकता है, इसको कायिक स्नान कहते हैं। ब्रह्म, आग्नेय, वायव्य, दिव्य, वारुण और यौगिक ये 6 प्रकार के स्नान हैं। यथाधिकार मनुष्य को स्नान करना चाहिए। मंत्रों सहित कुश के द्वारा जल बिंदुओं से मार्जन करना ब्रह्म स्नान है। सिर से लेकर पैर तक यथाविधान भस्म के द्वारा अंगों का लेपन आग्नेय स्नान है। गोधूली से शरीर को पवित्र करना वायव्य स्नान कहा गया है, ये उत्तम स्नान माना गया है। धूप के साथ होने वाली वृष्टि में किए गए स्नान को दिव्य स्नान कहते हैं। जल में अवगाहन करना वारुण स्नान है। योग द्वारा हरि का चिंतन यौगिक स्नान है, इसी को मानस आत्मवेदन ब्रह्माकार अखंड चित्तवृत्ति कहते हैं। ये यौगिक स्नान ब्रह्मवादियों के द्वारा सेवित है, इसे ही आत्मतीर्थ भी कहते हैं। स्नान के पूर्व दुग्धधारी वृक्षों से उत्पन्न काष्ठ, मालती, अपमार्ग, बिल्व अथवा करवीर अर्थात कनेर की दांतों लेकर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर पवित्र स्थान में बैठकर दांतों को स्वच्छ करना चाहिए और उसे धोकर उसका पवित्र स्थान में त्याग करना चाहिए। तदनंतर स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितृगणों का विधिवत तर्पण करना चाहिए। यहाँ यथाशास्त्र स्नान का अंगभूत आचमन एवं संध्योपासन के अंगभूत आचमन का विधान है। संध्योपासन के अंगरूप में ही कुशोदक बिंदुओं से आपोहिष्ठा आदि वारुण मंत्र एवं यथाविधान सावित्री मंत्र के द्वारा मार्जन करना विहित है। इसी क्रम में ओंकार और भू भूवस्वः इन व्याहृतियों से युक्त वेदमाता गायत्री का जप करके अनन्य भाव से भगवान सूर्य के प्रति जलांजलि समर्पित करे, सूर्यार्घ प्रदान करे। इसी क्रम में पूर्व की ओर अग्रभाग वाले कुशों के आसन पर समाहित चित्त से बैठकर प्राणायाम करके संध्या ध्यान करने का श्रुति में विधान है। ये जो संध्या है वही जगत की सृष्टि करने वाली है, माया से परे है, निष्कला, ऐश्वरी, केवला शक्ति तथा तीनों तत्वों से समुद्भूत है। अतः अधिकारी व्यक्ति प्रातःकाल रक्तवर्ण, मध्याह्नकाल शुक्लवर्ण एवं सायंकाल कृष्णवर्ण गायत्री का ध्यान करके गायत्री मंत्र का जप करे। द्विज को सदैव पूराभिमुख होकर संध्योपासन करना चाहिए। संध्याकृति से रहित ब्राह्मण सदा अपवित्र रहता है, वो सभी कार्यों के लिए अयोग्य होता है। वो जो भी अन्य कोई कार्य करता है उसका कुछ भी फल उसे प्राप्त नहीं होता। अनन्य चित्त होकर वेद पारंगत ब्राह्मणों ने विधिवत संध्योपासन करके अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त उत्तम गति को प्राप्त किया है। संध्योपासन का त्याग कर जो द्विजोत्तम अन्य किसी धर्म कार्य के लिए प्रयत्न करता है उसे 10,000 वर्षों तक नरक भोग करना पड़ता है। अतः सभी प्रकार का प्रयत्न करके संध्योपासन अवश्य करना चाहिए। उस संध्योपासन कर्म से योगमूर्ति परमात्मा भगवान नारायण पूजित हो जाते हैं। अतः अधिकारी को चाहिए कि वो पवित्र होकर पूर्वाभिमुख बैठकर
नित्य संयत भाव से एक सहस्र या 100 अथवा 10 बार गायत्री का जप अवश्य करें। गायत्री का एक सहस्र जप उत्तम, 100 जप मध्यम तथा 10 बार किया गया जप कनिष्ठ जप कहलाता है। एकाग्रचित्त होकर उदय होते हुए भगवान भास्कर का उपस्थान करें। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद में आए हुए विविध स्वर मंत्रों से देवाधिदेव महायोगेश्वर भगवान दिवाकर का उपस्थान करके पृथ्वी पर मस्तक टेक कर मंत्र से प्रणाम करें। शांत स्वरूप भगवान भास्कर आप सृष्टि, स्थिति और संहार इन तीनों के कारणों के कारण हैं। आप ज्ञान स्वरूप हैं। मैं आपको आत्मनिवेदन करता हूँ, आप ही परब्रह्म हैं। आप ही ज्योति स्वरूप, अप स्वरूप, रस रूप तथा अमृत स्वरूप हैं। भू भुअस्व ये तीनों आप ही हैं और आप ही ओंकार रूप, सर्वस्वरूप, रुद्र तथा अविनाशी हैं। आपको नमस्कार है। इस उत्तम आदित्य हृदय स्तोत्र का जप करके भगवान दिवाकर को प्रातः और मध्याह्न तथा सायंकाल में नमस्कार करना चाहिए। इसके पश्चात घर आकर के ब्राह्मण पुनः विधिवत आचमन करे। तदनंतर उसे अग्नि को प्रज्वलित करके विधिवत भगवान अग्निदेव को आहुति प्रदान करनी चाहिए। मुख्य अधिकारी की अशक्तावस्था में उसकी आज्ञा प्राप्त करके ऋत्विक पुत्र अथवा पत्नी, शिष्य या सहोदर भ्राता भी हवन करे। मंत्र विहीन एवं विधि की उपेक्षा करके किया गया कोई भी कर्म इस लोक या परलोक में फल देने वाला नहीं होता। तदनंतर देवताओं को नमस्कार करके अर्घ्य, पाद्य, चंदन, सुगंधित पदार्थों का अनुलेपन, वस्त्र तथा नैवेद्यादि पूजा के उपचारों को निवेदन कर गुरु का पूजन करें और उनके हित साधन में लग जाए। तत्पश्चात प्रयत्न पूर्वक यथाशक्ति द्विज को वेदाभ्यास करना चाहिए और उसके बाद इष्ट मंत्रों का जप, वेद पारायण करके शिष्यों के अध्यापन कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। वो शिष्यों को वेदार्थ धारण कराए और दत्तचित्त होकर वेदार्थ का विचार करे। द्विजोत्तम धर्मशास्त्र आदि विविध शास्त्रों का अवलोकन करे और वेदादि निगम शास्त्रों, उपनिषदों तथा व्याकरण आदि वेदांगों का अच्छी प्रकार अवलोकन करे। इसके बाद वो पुनः योगक्षेम के लिए राजा या श्रीमान के पास जाए और अपने परिवार के लिए विविध प्रकार के अर्थों का उपार्जन करे। इसके पश्चात मध्याह्न काल के आने पर स्नान करने के लिए शुद्ध मिट्टी, पुष्प, अक्षत, तिल, कुश और गोमय, गाय के गोबर आदि पदार्थों को एकत्र करना चाहिए। उसके बाद नदी, देव, पोखर, तड़ाग या सरोवर में जाकर स्नान करें। प्रत्येक दिन तड़ाग, सरोवर या नदी आदि से 5 मृत्तिका पिंड बिना निकाले स्नान करना दोषयुक्त होता है। अतः 5 पिंड मिट्टी निकाल करके ही स्नान करना चाहिए। स्नान के समय स्नान के लिए लाई गई मिट्टी के एक भाग से सिर धोना चाहिए, दूसरे भाग से नाभि के ऊपरी भाग को और तीसरे भाग से नाभि के नीचे का भाग तथा मृत्तिका के छठे भाग से पैरों का प्रक्षालन करना चाहिए। इन मृत्तिका पिंडों को परिमाण में पके हुए आंवले के फल के समान होना चाहिए। मृत्तिका के समान ही गोमय स्नान भी होना चाहिए। तदनंतर शरीर के अंगों को विधिवत धोकर आचमन करके स्नान करना चाहिए। जलाशय के तीर पर स्थित होकर ही मृत्तिका, गोमय आदि का अपने अंगों में लेपन करना चाहिए और इस लेपन के अंगभूत स्नान के अनंतर पुनः वरुण देवता के मंत्रों से जलाशय के जल का अभिमंत्रण करके पुनः जल स्नान करना चाहिए, क्योंकि जल भगवान विष्णु का ही रूप है। ये स्नान की प्रक्रिया प्रणव स्वरूप भगवान सूर्य का दर्शन कर जलाशय में 3 बार निमज्जन, डुबकी लगाना से पूरी होती है। तदनंतर स्नानांग आचमन करके मंत्र से आचमन करें। हे जलदेव, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण रूपी गुहा में विचरण करते हैं। आप सर्वत्र मुख वाले हैं। आप ही यज्ञ हैं, आप ही वशटकार हैं, आप ही ज्योति स्वरूप तेज और आप ही अमृतमय रस स्वरूप हैं। द्रुपदादिव इस मंत्र का 3 बार उच्चारण अथवा प्रणव एवं व्याहृतियों सहित सावित्री मंत्र का जप करना चाहिए। विद्वान अघमर्षण मंत्र का जप करे। तदनंतर ओम आपो हिष्ठा मयो भुवः इदम् आपः प्रवहत् तथा व्याहृतियों से मार्जन करना चाहिए। अनंतर आपो हिष्ठा इत्यादि मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित जल से अघमर्षण मंत्र का 3 बार जप करते हुए अघमर्षण संपन्न करना चाहिए। अघमर्षण के अनंतर द्रुपदादिव आदि मंत्र अथवा गायत्री मंत्र या तद्विष्णु परमं पदम आदि मंत्र अथवा प्रणव की आवृत्ति करनी चाहिए और देवाधिदेव
श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। जिस जल को हाथ में लेकर अघमर्षण क्रिया एवं मार्जन क्रिया संपन्न की जाती है, उस जल को अपने सिर पर धारण करने से सभी प्रकार के पातकों से मुक्ति मिलती है। संध्योपासन के अनंतर आचमन करके सदा परमेश्वर का स्मरण करना चाहिए। पुष्प से युक्त अंजलि को शिरोभाग से लगाकर सूर्य का उपस्थान करना चाहिए और उपस्थान के बाद अपनी अंजलि के पुष्पों को भगवान सूर्य के चरणों में अर्पित करना चाहिए। उदित होते हुए सूर्य को नहीं देखना चाहिए, अतः विशेष मुद्रा द्वारा ही उनका दर्शन करना चाहिए। ओम उदुत्यम चित्रम तच्चक्षु इन मंत्रों से तथा ओम हंसः शुचिषद इस मंत्र से और सावित्री के विशेष मंत्र से एवं अन्य सूर्य से संबंधित वैदिक मंत्रों से सूर्य का उपस्थान करना चाहिए। तदनंतर पूर्वाग्र कुशाओं के आसन पर बैठकर सूर्य का दर्शन करते हुए समाहित चित्त से गायत्री मंत्र एवं अन्य विहित मंत्रों का जप करना चाहिए। मंत्र जप के लिए स्फटिक, रुद्राक्ष अथवा पुत्रजीव, जीवंतिका या अब्जाक्ष से निर्मित माला का प्रयोग करना चाहिए। यदि आर्द्र वस्त्रों वाला हो तो जल के मध्य खड़े होकर जप करना चाहिए, अन्यथा सूखे वस्त्रों की स्थिति में पवित्र भूमि में कुशासन पर बैठकर एकाग्रचित्त होकर जप करना चाहिए। जप के पश्चात प्रदक्षिणा कर भूमि पर दंडवत नमस्कार करना चाहिए। तदनंतर आचमन करके यथाशक्ति अपनी शाखा के अनुसार स्वाध्याय करें। उसके बाद देवों, ऋषियों और पितरों का तर्पण करना चाहिए। मंत्रों के प्रारंभ में ओंकार का और अंत में नमः का प्रयोग कर प्रत्येक देव, ऋषि और पितृ का तर्पण कर रहा हूँ ऐसा कहकर तर्पण करें। देवताओं और मरीचियादि ब्रह्मर्षियों का तर्पण अक्षत और जल के साथ करना चाहिए। पितृगणों, देवों और मुनियों के लिए अपने शाखा सूत्र के विधान से भक्तिपूर्वक तर्पण करें। तर्पण जलांजलियों के द्वारा करें। देवताओं का तर्पण यज्ञोपवीति अर्थात सव्य होकर देवतीर्थ से करें और निवीति होकर कंठ में यज्ञोपवीत कर ऋषियों का ऋषि तीर्थ से तथा प्राचीनावीति अर्थात अपसव्य होकर पितृतीर्थ से पितरों का तर्पण करें। तदनंतर हे हर, स्नान में प्रयुक्त वस्त्र को निचोड़कर मौन होकर आचमन करके मंत्रों से पुष्प, पत्र तथा जल से ब्रह्मा, शिव, सूर्य एवं मधुसूदन विष्णुदेव का पूजन करें। क्रोधरहित होकर भक्तिपूर्वक अन्य अभीष्ट देवों की भी पूजा करनी चाहिए। पुरुष सूक्त के द्वारा पुष्पादि समर्पित करें। जल सर्वमय देव है अर्थात समस्त देवता जल में व्याप्त रहते हैं, अतः उस जलमात्र से भी वे सभी देवता पूजित होते हैं। इस पूजा में पूजक को समाहित चित्त होना चाहिए तथा प्रणव के साथ देवता का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद प्रणाम करते हुए समस्त देवों को पृथक पृथक पुष्पांजलि समर्पित करें। देवताओं की आराधना के बिना कोई भी वैदिक कर्म पुण्यप्रद नहीं होता, अतएव समस्त कार्यों के आदि, मध्य और अंत में हृदय से भगवान हरि का ध्यान करना चाहिए। ओम तदिष्णु रीति मंत्र तथा पुरुष सूक्त के मंत्रों का जप करते हुए उस निर्मल विष्णु के परम तेज के सामने आत्मनिवेदन करें अर्थात शरणागत हो जाए। उसके बाद विष्णु में अनुरक्त चित्त, शांत स्वभाव वो भक्त तदुष्णो इस मंत्र से और अप्रीत सशिरा इस मंत्र से अभिमंत्रित पुष्पासन पर विराजमान हरि की पुनः पूजा करके देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानुष यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ नामक पंच यज्ञों को करें। तर्पण से पूर्व ब्रह्म यज्ञ कैसे हो सकता है, अतः मानुष यज्ञ करके स्वाध्याय ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। वैश्वदेव ही देव यज्ञ है। काक आदि प्राणियों के लिए जो बलि प्रदान की जाती है वो भूत यज्ञ है। हे द्विजोत्तम, चांडाल एवं पतित आदि को घर के बाहर रहने देना चाहिए और कुत्ता आदि पशुओं को तथा पक्षियों को घर के बाहर भूमि पर अन्न देना चाहिए। पितरों के उद्देश्य से प्रतिदिन एक ब्राह्मण को भोजन कराए। पितरों के निमित्त जो नित्य श्राद्ध किया जाता है उसी को पितृयज्ञ कहते हैं। ये उत्तम गति प्रदान करने वाला है। अथवा समाहित चित्त होकर यथाशक्ति कुछ कच्चा अन्न निकालकर वैदिक तत्ववेत्ता विद्वान ब्राह्मण को प्रदान करे। प्रतिदिन अतिथि सत्कार करना चाहिए। घर पर आए हुए शांत स्वभाव द्विज ब्राह्मण को मन और वचन से स्वागत पूर्वक नमस्कार करें तथा उनका अर्चन करें। एक ग्रास परिमाण मात्र अन्न को भिक्षा कहा गया है। उसका जो चार गुना अन्न है उसको पुष्कल तथा उस पुष्कल के चार गुना अन्न को हंतकार भिक्षा कहते हैं।
गोदोहन मात्र काल तक अतिथि के आगमन की प्रतीक्षा स्वयं करनी चाहिए। आए हुए अभ्यागत अतिथि का सत्कार यथाशक्ति करना चाहिए। ब्रह्मचारी भिक्षुक को विधिवत भिक्षा देनी चाहिए। लोभ से रहित होकर याचकों को अन्न प्रदान करे। तत्पश्चात अपने बंधुजनों के साथ मौन होकर अन्न की निंदा न करते हुए भोजन करे। हे दुःश्रेष्ठ, जो देव यज्ञादि पंच यज्ञों को बिना किए भोजन करते हैं, वे मूढ़ात्मा, तिर्यक योनि, पक्षियों की योनि में जाते हैं। यथाशक्ति प्रतिदिन किए जाने वाले वेदाभ्यास के साथ पंच महायज्ञ एवं देवतार्चन शीघ्र ही सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। जो मोहवश अथवा आलस्य के कारण बिना देवार्चन किए ही भोजन करता है, उसे नाना प्रकार के कष्टदायक नरकों में जाकर सूकर की योनि में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। अब मैं अशौच का सम्यक प्रकार से वर्णन करता हूँ। जो अपवित्र है वो सदा पातकी है। अपवित्र व्यक्तियों के संसर्ग से अशौच होता है और उनके संसर्ग का परित्याग कर देने से शरीर पवित्र हो जाता है। हे द्विजोत्तम, सभी विद्वान ब्राह्मण 10 दिनों का अशौच मानते हैं। यह अशौच मृत्यु अथवा जन्म दोनों में होता है। दांत निकलने से पूर्व तक बालक की मृत्यु होने पर सद्य स्नान करने से अशौच की निवृत्ति हो जाती है। उसके बाद चूड़ा मुंडन संस्कार पर्यंत बालक की मृत्यु होने पर 1 रात्रि का अशौच होता है। उपनयन संस्कार के पूर्व तक बालक की मृत्यु होने पर 3 रात्रियों का अशौच होता है। उपनयन संस्कार के बाद किसी का मरण होने पर यथाविधान 10 रात्रि का अशौच ब्राह्मणों को होता है। क्षत्रिय 12 दिनों में, वैश्य 15 दिनों में तथा शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है, क्योंकि इनको यथाक्रम 12 दिन का, 15 दिन का एवं 1 मास का अशौच होता है। सन्यासियों को अशौच नहीं लगता है। गर्भस्राव होने पर गर्भमास के अनुसार जितने मास का गर्भ हो उतनी रात्रि का अशौच होता है, अर्थात 1 मास का गर्भस्राव होने पर 1 रात्रि, 2 मास का गर्भस्राव होने पर 2 रात्रि का अशौच होता है। इसी क्रम में अन्य मासों की गणना करके अशौच की रात्रियों का निश्चय करना चाहिए।